भाइयों और बहनों, आप सभी का स्वागत है। आज आप इस मंच पे एक ऐसा जादुई खेल देखने वाले हैं जो आप सबको हैरान कर देगा। अब आपके सामने आ रहे हैं वो महान जादूगर जिसने अपनी जादूगिरी से दुनिया में तहलका मचा दिया है, जिनकी गिनती दुनिया के सबसे बड़े बड़े जादूगरों में होती है। मेरे जी, लेकिन हम यहाँ क्यों आए? घुंगरू के सच से पर्दा हटाने। थोड़ा इंतजार करो, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। तो आप सब तालियां बजाकर स्वागत कीजिए उस महान जादूगर का जिसका नाम है आजाद परिंदा। जी, इसके बारे में काफी सुना है मैंने। इसके चेहरे पर नकाब है, इसकी खासियत है, आज तक किसी ने इसका चेहरा नहीं देखा। पर यहाँ में क्या मिलने वाला है? रुको तो सही, यहीं खुलेगी सच्चाई। जादूगर तो आ गया, पर जादूगर की जादू वाली छड़ी कहाँ है? ओह, ये रही। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये डब्बा पूरी तरह खाली। कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं तो मेरे साथ बोलिए, 1 2 3। सही कहा था उस अघोरी बाबा ने, कोई बुरा साया मंडरा रहा है इस घर पर। आपको क्या लगता है, ये चश्मा हवा में उड़ सकता है? नहीं, कम से कम अपने आप पलट तो सकता ही है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक ऐसे हैरतअंगेज करतब के लिए जहां मैं एक जीते जागते इंसान को दो अलग अलग हिस्सों में बांटने वाला हूं। और इस काम के लिए मैं अपने साथ स्टेज पर बुलाना चाहूंगा आपको। मुझे जाने दो प्लीज। घुंगरू, मैं जानती हूं इस मुखौटे के पीछे तुम ही हो। मैं भी जानता हूं कि यह बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, लेकिन अफसोस की बात यह है कि तुम कुछ कर नहीं पाओगी। बहुत होशियार बन रही थी ना तुम, मैंने कहा था ना तुमसे, ये तुम्हारी होशियारी तुम्हें ले डूबेगी। मेरा राज खोलने आई हो ना, अब देखो कैसे खुलता है ये राज। मुझे धमकी देके तुम बच नहीं पाओगे। बहुत होशियार हो ना, इंटरनेट पे अपने वीडियोस डालने से पहले
ये तो सोच लेना चाहिए था कि एक मरी हुई लड़की के साथ वीडियोस ना डालो। तुम्हारा चेहरा नहीं पहचान पाई मैं, पर तुम्हारी असिस्टेंट कमली का चेहरा जरूर पहचान गई। और तब मुझे पता चला कि आजाद परिंदा तुम हो। आज तुम्हारा खेल खत्म होगा। तुम्हारा नकाब उतरेगा और साहिल को सच पता चल जाएगा। ये पता चल जाएगा कि तुम पागल नहीं मिस्टर क्रिश अस्थाना। और तब ये आजाद परिंदा जेल की हवा काटेगा। देखते हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये यहां पूरी तरह बंद है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आज शाम के सबसे बेहतरीन कर्तव्य के लिए। तो अलविदा कहने का वक्त आ गया है दोस्तों। नमस्कार, शुभ रात्रि।
कौन है तू? छोड़ मेरी बेटी का चिका मारना, जहाँ से मार दूंगा, छोड़। साहिल अग्रवाल, तुझसे कहीं ज्यादा समझदार तो तेरी बीवी है, उसे तो बहुत पहले ही पता चल गया था। तुझे यही जानना है ना मैं कौन हूं, तो ले पहचान ले मुझे। ऐसे कैसे निकाल सकते? तुम निकाल सकते हो साहिल, क्योंकि इनके इरादे सही नहीं हैं। पता नहीं किस मकसद से आए हैं इस घर में, और तुम आस्तीन के सांप को घर में ही जगह दे रहे हो। गुरु, तो तू ही है आजाद परिंदा। देविका जी कब से कह रही थी मैं ही पागल था। क्या साहिल, तुझे अपनी बीवी पे भरोसा नहीं? वो कब से कह रही है कि मैं ही हूँ वो नकाबपोश? अरे मैं ही हूँ वो जो तेरे घर में इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मैं ही हूं असल में कमली का भूत। अरे तेरी महबूबा, तेरी बीवी, इसे तो कब से पता है मेरे बारे में, सारा सच जानती है मेरा। लेकिन मैंने ही ऐसा करतब किया था कि किसी ने इसकी बात पे यकीन ही नहीं। और मुझे एक बात और सुन ले साहिल अग्रवाल, मेरा असली नाम कृष अस्थाना है और मैं यहां तुझे और तेरे परिवार को बर्बाद करने आया हूं। तू ऐसा कुछ नहीं करेगा कमीने, मार दूंगा तेरे को मैं, समझा? पांच मिनट बचे हैं तेरे पास, देख वो देख, 5 मिनट में वो रस्सी टूट जाएगी। साहिल, और तेरी वेदिका जी दूर हो जाएगी तुझसे। अबे जा साले, तू कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत सारे आए साहिल और वेदिका की कहानी को बर्बाद करने, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। जानता है क्यों? क्योंकि हमारा जो प्यार है ना, जन्मों जन्मों का प्यार है, कोई हमें जुदा नहीं कर सकता। तूने साले कमीने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले तू, तेरा पर्दाफाश मैं और वेदिका जी खुद करेंगे। उससे पहले इनसे तो निपट ले। कोई गली का टटपुंजा नहीं, ब्रह्मशास्त्र में माहिर हूं मैं। ऐसे माया जाल में फंसाऊंगा कि उलझ के रह जाएगा। सिर्फ 2 मिनट है तेरे पास, देख उधर। बचा सकता है तो बचा ले अपनी प्रेमिका को, नहीं तो 2 मिनट बाद अपनी प्रेमिका को अपनी आंखों के सामने मरते देखना। मुझे बताइए आप कौन है? वेदिका जी, मैं आऊं साहिल, 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 प्लीज मुझे बचा लो साहिल। नहीं वेदिका जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा।
मैं आपसे प्यार करता हूँ और आप मेरी है। जब तक मैं आपको बचा नहीं लेता मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मेरे बारे में मत सोचो, मुझे छोड़ दो। तुम जाओ, हमारे बच्चों को बचाओ, जाओ प्लीज। हमें हमारे बच्चों को बचाना है साहिल। बचा लो मुझे, निकालो मुझे जल्दी यहाँ से, निकालो साहिल, बचाओ मुझे। इनमें से वेदिका जी कौन है? वेदिका जी है कौन? मेरी वेदिका जी कभी अपने बारे में नहीं सोचती, वो अपने परिवार और दूसरों के बारे में सबसे पहले सोचती है। यही मेरी वेदिका जी है। आपकी आवाज वेदिका जी, आपकी आवाज मेरे दिल में बसी है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। I'm sorry वेदिका जी, I'm just very sorry, मैंने आप पर भरोसा नहीं किया। मुझे कब से लग रहा था कि वो वाकई में नाटक कर रहा है, लेकिन अभी पता चला कि कितना बड़ा कमीना है वो वेदिका जी। I'm just very sorry। sorry मत बोलो, तुम खुद को दोष मत दो, वो जादूगर है। जादू करके उसने हम सबको गलत फहमी का शिकार बना दिया था और हमारे घर पे भूतों का डर फैला के अजीब अजीब हरकतों करके सबको बेवकूफ बना रहा था। और साहिल, कम से कम अब तो तुम्हें सच का पता चल गया ना। सबसे बड़ी बात यह है कि अब हम दोनों साथ में हैं और मिलकर उस धोखेबाज का सामना करेंगे। मैं आपके साथ हूँ दिग्गजी, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उसे हमारे परिवार से क्या चाहिए, वो हमारे परिवार को नुकसान क्यों पहुंचाना चाहता है। पर जो भी है, हम घर जाएंगे और उसका पर्दाफाश करेंगे, सबको उसकी असलियत बताएंगे, ठीक है? चलिए। मुझे तुम्हारी कोई माफी नहीं चाहिए, बस तुम जाओ यहाँ से, समझे? श्रुति, तुम हमारे बारे में गलत सोच रही हो। देखो, हमें तुम्हारी बहुत फिक्र है। छोड़िए। श्रुति, तुम इतनी बेशर्म हो गई हो कि थप्पड़ खाने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आती। दीदी, जब मैं आई ना, अब तुम देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। दीदी, आप मेरी बात सुनो। हमारे साथ दीदी, अम्मा, दीदी आप मेरी बात तो सुनो। चुप रहो। दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। दीदी, कहाँ है आप? अम्मा, इसकी कल के कल शादी कराइए, वरना हम खुद उसको खदेड़ के घर के बाहर निकाल देंगे। हुआ क्या है हमको बताओ, बताओ तो सही। अम्मा, अम्मा हमने कुछ भी नहीं किया है। प्राची दीदी, आपके आपके पति। ए, चुप रहो। खबरदार जो हमारे पति पे उंगली भी उठाई तो। अम्मा, आपको तो पहले से पता है ना कि श्रुति पुनीत जी पे डोरे डालती थी, और मौका देखा नहीं कि दोबारा चिपकने लगी इनसे। एक मिनट, प्राची जी माइंड ना करिएगा, हमने खुद साड़ू साहब को इसका हाथ पकड़ते हुए देखा है। बड़ी अम्मा, श्रुति ने कुछ नहीं किया। आपसे किसी ने कुछ पूछा? और वैसे भी हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस हक से इस घर में रह रहे हैं। गौरी आपको छोड़ के जा चुकी है, तो आप हमें ये बताइए कि आप अपनी तलाकशुदा बीवी के घर में दामाद बने क्यों फिर रहे हैं? चुप रहो प्राची। दीपक को हमने यहाँ रहने की इजाजत दी और तुम इनकी बेइज्जती नहीं कर सकती, समझी?
और रहा सवाल इन दोनों का, तो का करना है और का नहीं करना है हम तय करेंगे।